के सैंडल के अनुसार किन दो बातों पर होता है? इसका एल्बो का ये डिग्री पर और दूसरा उसका रेडियस पर होता है सर। के एल्बो कितने डिग्री में है और इसका उसका रेडियस कितना है? रेडियस कितना है? अस्सलाम वालेकुम, फैब्रिकेशन विषय में खुश आमदी। आज का हमारा टॉपिक है पाइप फिटर और फैब्रिकेटर के इंटरव्यू में जो सवालात पूछे जाते हैं उसी के बारे में आज हमारी वीडियो है। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। बेटा आप अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद असलाम है। आपकी तालीम क्या है? मैट्रिक। उसके बाद आपने कहाँ से डिप्लोमा किया? डिप्लोमा किया आपने यूसुफ अली कायम ट्रस्ट चक नंबर 10 कोटवा से। काम किया है? आपने कितने डाई पर काम किया है? 2 इंच, 4 इंच, 6 इंच। अच्छा, जो 4 इंच का जो पाइप है उसका ओडी कितना होगा? 60 मिली। 4 इंच का कितना होगा? 114 मिली। मीटर टेप का पता है आपको? हाँ जी सर जी। मीटर टेप किस लिए इस्तेमाल होती है? मीटर टेप एक कमर्शियल है, मीटर टेप कमर्शियल है जिसमें हम बिरल सिस्टम और मीट्रिक सिस्टम इस्तेमाल लेते हैं। मीट्रिक सिस्टम कौन सा है? मीट्रिक सिस्टम उसमें मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर वगैरह होते हैं। अच्छा, उसके बाद आपको पता है 1 मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? 1000 मिलीमीटर। अच्छा, उसके बाद आपको ओडी, आईडी और सीएफ के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है आपके पास? ओडी ओ डाया होता है, आईडी इंटरनल डाया होता है और सीएफसी होता है सर्कमफेरेंस। अच्छा, सर्कमफेरेंस किस तरह मालूम करते हैं? डायजर पे 3, 4, 14, 16। अच्छा, आप एक सर्कमफेरेंस आ गया आपके पास कुछ भी, तो अब उसे हमने 4 हिस्सों में पाइप को जो कि हमने डिवाइड करना है 6 हिस्सों में, हम क्या करेंगे? डाया जर पे 3, 4, 14, 16 जो हमारा आंसर आएगा उस जितना इसे मैं तकसीम करना उससे तकसीम कर दूँ। एनपीएस किसे कहते हैं? एनपीएस नॉमिनल पाइप साइज। वाल थिकनेस शेड्यूल के बारे में आपको मालूम है? अगर शेड्यूल ज्यादा होगा तो उसे जो पाइप है उसके डाई पर क्या असर अंदाज होगा? अगर शेड्यूल बढ़ेगा तो उसकी थिकनेस बढ़ेगी और इंटरनल डाया कम होगा और तो उसका आउट डाया उतना रहेगा। अच्छा, अगर 6 इंच का पाइप है उसका ओडी कितना होगा? 160 मिली। अच्छा, उसके बाद स्पूल का पता है? स्पूल किसे कहते हैं? हाँ जी सर। किसे कहते हैं? अगर हम किसी पैंप पर कोई टी लगा दें या कोई वाल लगा दें या कोई फ्लांच वगैरह लगा दें तो वो स्पूल बन जाएगा। अच्छा, पाइप फिटिंग मटेरियल बता दें जिनका आपको मालूम है, जिससे आपने काम भी किया और देखे भी हैं। गेट वाल, ग्लोवर, बाल वाल, उसके बाद टी आ जाती है, इक्वल टी आ जाती है, रिड्यूसिंग टी आ जाती है, फ्लांच आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद सैडल और लेटरल में क्या फर्क है? सैडल 90 डिग्री की होती है। अच्छा, और लेटर जो होती है वो मुख्तलिफ डिग्री की होती है। अच्छा, उसके बाद आपको एल्बो के बारे में पता है? एल्बो की कितनी इकसाम है? हाँ जी, एल्बो की 3 इकसाम है। कौन कौन सी है? शॉर्ट, नॉर्मल, शॉर्ट, मीडियम और लार्ज। एल्बो का सेंटर किस तरह फाइंड करते हैं? अगर शॉर्ट है जितना उसका डाया उतना उसका सेंटर होगा, अगर मीडियम हो तो? अगर मीडियम हो तो जितना उसका डाया उससे 1.5 गुना ज्यादा, और लॉन्ग हो तो? अगर उसका लॉन्ग जितना उसका डाया उसका 2 गुना ज्यादा हो। अच्छा, इसका फार्मूला बताएं एल्बो सेंटर सेंटर मालूम करने का, कि किस तरह हम फार्मूले के जरिए मालूम कर सकते हैं? 10 डिग्री/2 जरबे 30 का या जरबे डाया। ये कौन सी आपने एल्बो का सेंटर मालूम करने का बताया? मीडियम का। एल्बो के सेंटर के अनुसार किन दो बातों पर होता है? इसका एल्बो का ये डिग्री पर और दूसरा उसका रेडियस पर होता है सर। के एल्बो कितने डिग्री में है और उसका रेडियस रेडियस कितना है? अच्छा, एल्बो का सेंटर जो हम फाइंड करते हैं वो किस लिए, इसका सेंटर फाइंड करना क्यों जरूरी है? ये इसलिए जरूरी है जो ड्राइंग पर उसके दी जाती है ना वो ये सेंटर, तो सेंटर तक पैमाइश दी जाती है। अच्छा, फिर क्या करते हैं इसका? फिर हम इसको जो दूसरे पैमाइश पाइप की वो हमें मालूम करने के लिए ये जरूरी होती है। यानी कि हमें सेंटर टू सेंटर पैमाइश दी जाती है। अब हम एल्बो के दोनों साइडों का सेंटर फाइंड करके टोटल लेंथ में से माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो दरमियान वाला पीस है पाइप उसकी लेंथ आ जाएगी। पीसीडी किसे कहते हैं? पिच सर्कल डायग्राम। अच्छा, आपको फ्लंच की क्लास के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन है? फ्लंच की क्लास 150, 300, 400 और 600 मुख्तलिफ है। अगर इसमें दूसरा ये बढ़ती जाएगी तो इसका थिकनेस भी बढ़ती जाएगी और होल्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी। अच्छा, अगर आपने एल्बो पाइप के साथ फिट करवानी है तो आपको कौन से बेसिक टूल्स का आप इंतखाब करेंगे? मीटर टेप, राइट एंगल, स्प्लिट लेवल, साल, हैमर। और आपको PSV और PRV वाल्व के बारे में क्या पता है? PSV प्रेशर सेफ्टी वाल्व। अच्छा, PRV प्रेशर रिलीज वाल्व। PSV वाल्व कहाँ पे इस्तेमाल होता है? इनमें कंप्रेस मटेरियल, फॉर एग्जांपल गैस। ठीक
ठीक हो गया, गैस और स्टीम वगैरह। और जो पीआरवी वाल्व है ये कहाँ पे इस्तेमाल होता है? नॉन कंप्रेस्ड इंटीरियर। अच्छा, उसके बाद आपको जो वाल्व्स हैं उनके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? वाल्व्स कितने इकसाम के होते हैं? वाल्व्स मुख्तलिफ इकसाम के, नाम बताएं मुझे। गेट वाल्व, ग्लो वाल्व, बाल वाल्व। अच्छा, उसके बाद फ्लंजेस की, फ्लंजेस का इस्तेमाल किस लिए हम करते हैं? फ्लंज का इस्तेमाल, फ्लंज का इस्तेमाल दो पाइपलाइन को आपस में मजबूती के साथ जोड़ने, बार वक्त जरूरत अलग करने के लिए फ्लंज इस्तेमाल करते हैं। अब वाल्व्स किस लिए हम इस्तेमाल करते हैं? वाल्व माया लिक्विड गैस के कंट्रोल को कंट्रोल करने के लिए, बहाव को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अच्छा बेटा, अब आपने जो पाइप फिटिंग मटेरियल आपको मुख्तलिफ किस्म का नजर आ रहा होगा, आपने हर आइटम की वजाहत इस्तेमाल अच्छे तरीके से बताना है, तो आप यहां से स्टार्ट करें। फर्स्ट एटम से, ये कौन सा एटम है और इसकी इकसाम कौन कौन सी है? चलें जी शुरू करें। टी, टी की दो इकसाम है, इक्विटी और रिड्यूसिंग टी। ठीक है, ये कौन सी है? ये रिड्यूसिंग टी है। अच्छा, ये कैसे रिड्यूसिंग टी? इसके पैन कटा बराबर होते हैं और ब्रांच पैन कटा छोटा होता है। ठीक हो गया। उसके बाद ये कौन सा वाल्व है? ये गेट वाल्व है। अच्छा, इसके पार्ट्स के नाम बताएं कौन कौन से हैं? हैंड व्हील, स्टीम, हैंड व्हील नट, यॉक, बर्नर, स्टारबोर्ड, फ्लंज, और इसके अंदर गेट होता है। अच्छा, और साथ कौन सा वाल्व है? ये ग्लो वाल्व है। अच्छा, इसमें गेट वाल्व और ग्लो वाल्व में क्या फर्क है? गेट वाल्व और ग्लो वाल्व में फर्क, जो गेट वाल्व है उसको लगाने के लिए सीमेंट की जरूरत नहीं होती, और जो ग्लो वाल्व है उसको लगाने के लिए सीमेंट की जरूरत होती है। इसके अंदर गेट है और इसके अंदर सीट है। इसके अलावा और कौन सा डिफरेंस है दोनों में? इस जो हैंड व्हील है इसको हम घुमाएंगे तो इसका स्टीम बार आएगा, और ये हम घुमाएंगे तो इसके हैंड व्हील के साथ स्टीम भी बार है। अच्छा, ये कौन सा फ्लंज पड़ा हुआ आपको नजर आ रहा है? ब्लैंड फ्लंज। ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है? ये बावक जरूरत लाइन को बंद करने के लिए। अच्छा, और उसके बाद ओर्स की कौन कौन सी इकसाम होती है? अकोलैट, वाइडोलैट और थ्रोडोलैट। अच्छा, आप ये बताए इसमें साकोलैट कौन सी है? ये वाली है। अच्छा, इसको किस तरह फिटिंग करेंगे हम? ये वाली साइड पैंप के ऊपर रखकर वेल्ड कर दी जाएगी और इसके अंदर कोई गेज लगा देंगे। ठीक हो गया। और इसका इस्तेमाल बता देना, आपके इस्तेमाल इसका काम भी होता है? ये किसी भी माया पैंप और किसी भी चीज लिक्विड चीज का प्रेशर चेक करने के लिए ये पैंप के ऊपर लगाई जाती है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, आपको रिड्यूसर के बारे में मालूमात है? हां जी सर। कौन कौन से रिड्यूसर्स होते हैं? कॉन्सेंट्रिक और इनसेंट्रिक। कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर कौन सा है? ये वाला। और इसके बारे में आपको क्या मालूमात है? ये जो दो डाय हैं इनका सेंटर एक जगह पर वाके होता है। ये क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं? ये एक लाइन बड़ी आ रही है और उसके आगे छोटी लाइन है, ये उधर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, और कॉन्सेंट्रिक तो हो गया, इनसेंट्रिक कौन सा होगा? ये वाला इनसेंट्रिक। इसमें और उसमें क्या फर्क है? इसमें और उसमें फर्क ये है कि उसके उसके दोनों डायों का सेंटर एक जगह पर वाके और इसके दोनों डायों का सेंटर एक जगह पर वाके नहीं है। ठीक हो गया। ये जो फ्लंच है, फ्लंच के बारे में ये ऊपर पड़ा हुआ, ये कौन सा फ्लंच है? नेक वेल्ड है। और ये फ्लंच कौन सा इनमें से लेके आए, इसके बारे में बताएं। ये मोटाई वाला है, इसके आमने सामने के दो, इसके आमने सामने दोनों थ्रेडिंग की होती है, इसके अंदर प्रेशर गेज लगाई जाती है। ठीक हो गया। प्रेशर गेज इसलिए लगाई जाती है कि जो पाइप लाइन में से माया लिक्विड गैस गुजर रहा है उसका प्रेशर चेक करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सॉकेट फ्लंज देखा है आपने? लेके हैं कौन सा? अच्छा, इसके पाइप किस तरह फिटिंग करेंगे? इसमें पाइप इसके अंदर डालकर फिटिंग है। तो इसमें किस तरह? बिल्कुल इसके जो नहीं, इसके दो तीन मिली गैप देकर रहे। क्यों देंगे गैप? क्योंकि बैटरी की वजह से खचाव ना कर। ठीक हो गया। उसके बाद आपको गैस्केट के बारे में मालूमात है? गैस्केट क्यों इस्तेमाल की जाती है? गैस्केट एक सील का काम करती है। जब हम वाल्व या फ्लंजेस फिटिंग करते हैं तो उसके अंदर गैस्केट का इस्तेमाल किया जाता है। गैस्केट की इकसाम का आपको पता है कौन कौन सी है? कौन कौन सी? मेटालिक, नॉन मेटालिक और सेमी मेटालिक। ठीक हो गया। उसके बाद आपको सैंपल्स का पता है कि वाल्व के सैंपल्स अगर ड्राइव पे जो दिए जाते हैं उनके बारे में? हाँ जी। पीसीडी मालूम करनी आती है आपको? हाँ जी। किस तरह मालूम करते हैं? पिच सर्कल डाया मालूम करके बताएं किस तरह मालूम करते हैं? एक होल के इंटरनल से लेकर दूसरे होल के आउट डायर।
190 आ रही है। अब हमने 190 मिलीमीटर पीसीडी मालूम करनी। अब हम इस क्यों मालूम करते हैं, इसका इस्तेमाल क्या है? हमने पैंट के साथ एक फ्लांच लगाया हुआ और उसकी पीसीडी है 190 मिली। हमने जहाँ जहाँ से मटेरियल आ रहा उधर हमने भेजना है कि 190 की हमें पीच चाहिए और उसके 6 और 8 होल हों जिस दूसरे की। यानी कि एक फ्लंच हमारे पास फिटिंग हुआ हुआ है, उसकी पीसीडी है 190 मिलीमीटर और उसके होल्स की तादाद। जब हमें रिक्वायरमेंट में मटेरियल में लिखना है तो वहां पे लिखेंगे हम कि पीसीडी इतनी और इतने होल्स भी, दोनों चीजें जो कि हमें चाहिए होंगी। ठीक हो गया। उसके बाद आपको गेट वाल, ग्लोव वाल, बटरफ्लाई वाल, इनके सैंपल्स का पता है? ये ले आप मार्कर और व्हाइट बोर्ड पे बिल्कुल वाजे तौर पे आपने सैंपल्स बनाने हैं। ये कौन सा वाल होगा? गेट वाल। अच्छा, और ग्लोव वाल का? उसका भी लेदर बनाना है। जी बिल्कुल, इसी में बता दो। चलो अगर इधर हम ये ग्लोव वाल बन गए और बाल वाल, ये बाल बन गए और उसके बाद प्लग वाल, और उसके बाद लाई वाल, ठीक है शाबाश, ठीक हो गया, आ जाओ बैठो। अच्छा, उसके बाद आपको पी एंड आई डी के बारे में मालूम है? पी एंड आई डी किसे कहते हैं? पी एंड आई डी पैपिंग एंड इंस्ट्रूमेंट रैम। ठीक हो गया, शाबाश। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।